अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम सईदा मरियम मुमताज़। हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन। टुडे आवर टॉपिक इज़ फ्रॉम चैप्टर नंबर 6, कंप्यूटर लॉजिक एंड गेट्स। एंड आवर टॉपिक इज़ क्रिएटिंग नैंड एंड नॉर गेट यूजिंग बेसिक गेट्स। तो आज जो हमने पढ़ना है वो छोटे से हम सर्किट्स डिज़ाइन करेंगे यूजिंग हमारे जो बेसिक गेट्स हैं, यानी कि जो बेसिक गेट्स हैं वो कौन से होते हैं, एंड और नॉट आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद अगर आप लोग देखें तो नैंड और नॉट बताते हुए, नैंड एंड नॉट गेट्स कैन बी इजीली क्रिएटेड यूजिंग द एंड और एंड नॉट गेट। यानी कि मैंने आपको पहले ही बताया कि हमारे पास जो एंड और नॉट गेट है वो क्या है, हमारे बेसिक गेट्स हैं। ठीक है, बाकी हमारे जितने भी गेट्स बनते हैं वो इन्हीं गेट्स को मिला के बनते हैं और इन्हीं के एक्सप्रेशन में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके बनते हैं। अब हम चलते हैं नैंड गेट की तरफ। तो जब हम नैंड गेट को देखेंगे तो वो क्या बनेगा, एंड और नॉट को मिला के बनेगा। ठीक है, जैसे कि नाम से आप अगर याद रखें तो नैंड, ठीक है, यानी एंड और साथ में एन मतलब नॉट। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से बेसिक गेट्स यूज़ होंगे, एंड और नॉट का बेसिक गेट यूज़ होगा। अगर इसको डायग्राम के ज़रिए अगर हम देखें तो सबसे पहले आप देखें एंड गेट लगा हुआ है ए और बी, यानी दो इनपुट्स के साथ हमने बनाया है ए और बी का एंड गेट, और साथ में जो है उसने क्या किया, उसके ऊपर आगे यहाँ पे नॉट गेट अप्लाई किया, तो तब हमारी आगे क्या आ गई, वाई, यानी कि आउटपुट प्रोड्यूस हो गई। और अगर हम नैंड का सिंबल देखें तो वो ये होता है। ठीक है, नैंड का सिंबल क्या होता है, ये यहाँ से हम जो है इसको क्या देते हैं, इनपुट्स देते हैं और यहाँ से ये आउटपुट जनरेट कर देता है। ठीक है, तो अगर आप इसकी कंप्लीट सर्किट डायग्राम देखें तो वो इस तरीके से होगी, यानी ये जो है हमारे पास ए बी, ये अगर आप इसको सिंपल फॉर्म में देखें, और ये इसका पूरा सर्किट अगर आपको कोई नैंड गेट का डिज़ाइन करने के लिए दे दे तो आप ये वाली डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, अगर इसका जो एक्सप्रेशन है वो क्या है, अगर हमारे पास इनपुट्स जो हैं वो ए बी हैं तो हमारे पास जो इसका एक्सप्रेशन होगा वो ए बी बार होगा। ठीक है, अगर हमारे पास इनपुट जो है वो एक्स वाई हैं तो नैंड गेट का एक्सप्रेशन एक्स वाई बार होगा। ठीक है, तो इसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले नैंड एंड गेट से गुजारेंगे अपनी इनपुट्स को ए और बी। ठीक है, उसके बाद हम इसको क्या करेंगे, इस पर यहाँ से जो हमारी इनपुट आई है ना वो ए और बी आई है, लेकिन हमें क्या चाहिए, ए बी का बार चाहिए, यानी कि नॉट। ठीक है, तो यहाँ पर हम फिर क्या लगा देंगे, नॉट गेट लगाएंगे। ठीक है, और ये जो हमारे पास फाइनल रिज़ल्ट आ जाएगा या आउटपुट आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, ए बी का बार आ जाएगा। ठीक है, आई होप ये वाला आपको जो नैंड गेट है वो समझ आ गया होगा। उसके बाद अगर हम नॉर गेट की तरफ मूव करें तो क्या होगा, नॉर गेट जो है वो क्या होगा, और गेट और नॉट गेट को मिला के बनेगा। ठीक है, यानी और नॉट को अगर हम इसकी डायग्राम देखें तो सबसे पहले देखें इसका जो सिंबल होता है वो क्या होता है, और आगे नॉट गेट। ठीक है, और जब इसके अंदर से हम लोग इनपुट देते हैं ए बी, तो जो इसकी आउटपुट निकलती है वो क्या है, इसको यहाँ पर उन्होंने सी का नाम दिया हुआ है। वैसे अगर हम एक्सप्रेशन इसका देखें तो इसका जो एक्सप्रेशन होगा वो क्या होगा, ए बी का बार, सॉरी ए प्लस बी का बार, ये इसका एक्सप्रेशन है। ठीक है, तो अगर आप इसको देखें तो क्या, ये देखें इसका एक्सप्रेशन हम यहाँ पर बताया भी हुआ है, ये इसकी आउटपुट है, ये इसकी इनपुट वन है ए, और ये जो है इसकी इनपुट टू है। ठीक है, और अगर आप इसका कॉम्प्लीमेंट ले लें, यानी ए प्लस बी का बार, तो आपके पास जो है वो क्या आ जाएगी, नॉर गेट प्रोड्यूस हो जाएगा। अगर हम इसको स्टेप बाय स्टेप प्रोड्यूस करें तो उसकी डायग्राम हमारे पास ये है, यानी सबसे पहले हम लोग इसको बिल्कुल नैंड गेट की तरह से सबसे पहले अपनी आउटपुट्स को और गेट में से गुजारेंगे तो हमारे पास क्या जनरेट हो जाएगा, ए प्लस बी हो जाएगा। ठीक है, फिर हमें तो a प्लस बी का बार चाहिए तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर नॉट गेट अप्लाई करेंगे, तो अब जो आउटपुट आएगी वो क्या आएगी, a प्लस बी का बार आएगी। ठीक है, तो आई होप ये वाले कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर होंगे, नैंड गेट और नॉट गेट वाले। इसको एक दफ़ा आप लोग ड्रॉ करके ख़ुद भी चेक कर लें कि आपको समझ आए हैं कि नहीं। इफ़ यू फील एनी डिफ़िकल्टी यू कैन आस्क। और अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।